बहराइच से 3 साल पहले लापता हुआ अर्धविक्षिप्त युवक मिला बांग्लादेश में। बेटा पाकर माता पिता ने प्रसन्नता व्यक्त की। बहराइच के मुर्तेहा कोतवाली इलाके से भटककर बांग्लादेश पहुंचे अर्धविक्षिप्त युवक को बांग्लादेश रोटरी क्लब एवं बहराइच रोटरी क्लब की मदद से 3 साल बाद उसे अपने वतन लाया गया। 3 साल पूर्व मुर्तेहा कोतवाली इलाके के निधिपुरवा से सुभाष नाम का युवक भटककर बांग्लादेश जा पहुंचा, लेकिन वहां से वापस नहीं आ पा रहा था। बांग्लादेश पुलिस द्वारा किए गए पत्राचार के बाद भारत सरकार एवं बांग्लादेश की सरकार ने आपसी समन्वय बनाकर इस युवक को भारत भेजा। दोनों देशों के रोटरी क्लब के पदाधिकारियों ने एक दूसरे से सामंजस्य बनाकर इस युवक को परिजनों से मिलाने में मदद की। ये कहानी इस प्रकार है कि ये बच्चा जो मानसिक रूप से पूर्ण रूप से समृद्ध नहीं था, किन्हीं कारणों से ये बांग्लादेश पहुंच गया था। इसका संज्ञान रोटरी क्लब के माध्यम से मेरे द्वारा लाया गया। मेरे द्वारा जो इसमें विधिक कार्रवाई हो सकती थी उसको अंजाम दिया गया और जनपद बहराइच के रोटरी क्लब के पदाधिकारियों द्वारा और बांग्लादेश के पदाधिकारियों द्वारा इस बच्चे को जनपद बहराइच में लाया गया। प्रसन्नता है कि इस मानवीय प्रकरण में मेरे स्तर से और रोटरी क्लब के स्तर से और सरकार केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर से सहायता दी गई और मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं बांग्लादेश की सरकार का, वहां के रोटरी क्लब का, कि उस बच्चे को सकुशल बहराइच लाने में इन्होंने जो सहायता दी है वह एक मानवीय संवेदना का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके लिए मैं रोटरी क्लब और सभी की प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद। कुमार गुप्ता, ग्राम दुद्धाधारी, पोस्ट वैवाही, थाना खैरीघाट, बहराइच का रहने वाला हूँ। जी, ये लड़का गायब हो गया था, बांग्लादेश पहुँच गया था, इसको लेकर आए हैं। इसके मम्मी पापा को लेकर गए थे बांग्लादेश, वहाँ से लेकर आए हैं, इसलिए यहाँ सम्मानित करने के लिए डीएम के यहाँ आना। जी, निधपुरवा मुर्तिहा थाना के रहने वाले थे, कल शाम को लेकर आए। अच्छा, कैसे लेकर आए? इसको ट्रेन से लेकर आए लखनऊ तक, लखनऊ से फिर गाड़ी से लेकर आए चरपैया से। प्लेन से गए कलकत्ता, कलकत्ता से फिर उधर कलकत्ता से फिर उधर फोर व्हीलर किया, जो बॉर्डर पर पहुंचे, बॉर्डर से फिर उधर, बॉर्डर से कलकत्ता तक। जी जी, साथ में गए थे, लेकर गए, फिर इनके घर तक जाएंगे हम, उनका सहयोग करेंगे।